स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 का क्वेश्चन पेपर विद देयर आंसर की। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में। ये आपका जेएसके सेट 2 सीरीज वाला क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं सेक्शन ए के अंदर से, जहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए थे और उस 20 क्वेश्चन के अंदर से टोटल 16 क्वेश्चन आपको आंसर करने थे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें और उसके आंसर को चेक करते हैं कि आखिर क्या है उस क्वेश्चन के अंदर। Identify the correct statements regarding the OSS. सबसे पहले जानते हैं कि ये OSS क्या होता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसके बारे में। अब ऑप्शंस है आपके पास, इट इज अवेलेबल फॉर नॉमिनल और जीरो लाइसेंसिंग एंड यूजेज चार्जेस, इट कैन बी शेयर विद द अदर्स फ्रीली, इट इज मॉडिफेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दे रखा है। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनवैलिड HTML टैग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे वेबसाइट mycstutorial.in पे भी अवेलेबल है, जहां पे मैंने 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस के MCQ बनाए थे, वहां आप वेरीफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई इनवैलिड HTML टैग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। देखिए HTML जो टैग्स होते हैं, यहाँ पे ये हेडिंग टैग्स को यूज कर रहा है और अगर हेडिंग टैग को देखा जाए तो ये H1 से H6 तक ही होता है। तो H5 H6 सारे वैलिड हैं और जो H7 है ऐसा कोई टैग नहीं होता है HTML के अंदर में, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा D। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है डैश आर द राइट्स गिवन टू द पर्संस ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। मतलब आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, तो वो राइट्स जो हैं वो आपके माइंड्स, मतलब आप खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हो, उस क्रिएशन के ऊपर वो राइट्स दिया जाता है। और इसका सही जवाब है, पहले तो देखते हैं, क्रिएटिव राइट्स नहीं, ऐसा कोई राइट्स नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसको कहा जाता है, जो आपकी खुद की उपज होती है, आपके दिमाग की उपज होती है, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये राइट्स आपको दे दिए जाते हैं। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। दिस इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर, इससे सिंपल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सटेंशन ऑफ HTML .ht.stl, ऐसा कुछ नहीं होता है, HTM हो सकता है और .html हो सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द टैग इन HTML इज यूज टू डिफाइन दैट पोर्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट विच कंटेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स। मतलब वो टैग जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को दिखाने बताने का काम करता है, टॉप मेन इन्फो। देखो ऑप्शंस भी कुछ ऐसे दिए गए हैं जिस ऑप्शंस को देख के आप इजिली पता कर सकते हैं कि इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब बनता है ऑप्शन बी, यानी कि हेड टैग। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पैराग्राफ टैग, इट इज यूज विद इन द बॉडी टैग, सही है। द पी टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ, सही है। ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली एड अ सिंगल ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर ईच ऑफ द पैराग्राफ एलिमेंट। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्या पूछ रहा है हमसे? करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। OL stands for, OL जो है वो लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। UL, OL और DL तीन तरह के लिस्ट होते हैं। ऑर्डर लिस्ट OL कहलाता है, अनऑर्डर लिस्ट UL कहलाता है और डेफिनेशन लिस्ट को हम DL कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 7th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन सी मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द डैश टैग डिफाइंस द टर्म्स इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिफाइंस द टर्म्स इन अ डिस्क्रिप्शन, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप मेरे MyCS ट्यूटोरियल पे जाइए और वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। द डैश टैग डिफाइंस द टर्म्स इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, टर्म्स को डिफाइन करने के लिए DD से क्या होता है? DD और DT, डिफाइन टर्म एंड डिफाइन डिस्क्रिप्शंस। DT डिफाइन टर्म्स का हो गया और DD हो गया, तो ऑप्शंस कौन सा आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इस सवाल का सही जवाब है टैग्स डिफाइन द टर्म्स इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो DT यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है। DL से डेफिनेशन लिस्ट होता है, DD से हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। डिफाइंस द टर्म्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आप DT यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, क्वेश्चंस के सेंटेंस थोड़े इजी नहीं है, बट आंसर इसका ऑप्शन बी ही है अभी यहाँ पे। नेम द एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नेम द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। तो अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीद बिक्री कर रहे हो तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से तो जनरली उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका ई कॉमर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डैश टाइटल, द टाइटल एलिमेंट, देखिए ये इमेज टैग से रिलेटेड है। टाइटल एलिमेंट डिफाइन्स अ टाइटल इन अ ब्राउज़र, सॉरी ये तो टाइटल इमेज का नहीं है, तो टाइटल टैग्स है। डिफाइन अ टाइटल इन द ब्राउज़र टूल बार, प्रोवाइड अ टाइटल फॉर द पेज व्हेन इट इज एडेड टू द फेवरेट, डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन सर्च एंजन रिजल्ट। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कर रखा है इस क्वेश्चन को। फेस साइज कलर, ये टेक्स्ट नाम का कोई टैग होता नहीं है, टी नाम का टैग हमने देखा नहीं, एफ नहीं होता, तो कौन सा जवाब आएगा? ऑप्शन बी, दैट इज द फॉन्ट टैग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर्स ऑन ए ट्रायल बेसिस, मतलब आपको ट्रायल बेसिस पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया जाता है। There is a time limitation inherent to the in the software and would be deactivated when the time period is going. मतलब ट्रायल मंथ के लिए, एक महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा। One has to pay for the software to use after the time limit. तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? The software, देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री नहीं मिलता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री है, तो ऑप्शन बचता है डी। तो इस सवाल का सही जवाब आएगा ऑप्शन डी। क्या जवाब है? शेयरवेयर। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमें 1 month और 30 days और 15 days के लिए फ्री दिया जाता है। एच इन एच आर टैग, दिस इज स्टैंड फॉर द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल टैग, हॉरिजेंटल रूल्स बोलते हैं एच आर को। HTML files can be created using, किसी भी टेक्स्ट एडिटर से हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फोटो एडिटर से क्रिएट करेंगे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और स्प्रेड से नहीं होगा। इसका सही जवाब है आपका टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ई कॉमर्स फ्रॉड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, अब हमें ई कॉमर्स फ्रॉड को देखने हैं फॉलोइंग लिस्ट में क्या क्या हो सकते हैं। पेमेंट फ्रॉड भी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, फिशिंग भी हो सकता है, तो कई तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही लगा रखा है इस बच्चे ने, जिस भी बच्चे का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है बिल्कुल सही जवाब है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म डैश refers to the gap between those who have access to ICTs and those who don't. इसे क्या कहते हैं? मतलब the term dash refers कि वो व्यक्ति जो ICT use करता है, जो ICT को use नहीं करता है, इनके gap को क्या कहा जाता है? इसे digital divide के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? Digital divide के नाम से जानते हैं। Which of the following will come under IPR, intellectual property right? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेडमार्क भी आ सकता है, पैटेंट भी आ सकता है, कॉपीराइट भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन जो चले, अ यूनिक सिंबल और वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस और इट्स प्रोडक्ट इज नोन एज, अ यूनिक सिंबल और वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस और इट्स प्रोडक्ट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? मतलब लोगो है, हो गया हमारा ट्रेडमार्क होता है नॉर्मली, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ट्रेडमार्क कहलाएगा, पैटेंट नहीं है, कॉपीराइट नहीं, सिंबल की बात हो रही है, जिससे आप किससे आए इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया, जैसे आप अंजीव सिंह एकेडमी की साइट्स पे हैं या अंजीव सिंह के यूट्यूब चैनल पे हैं या आप माई सेस ट्यूटोरियल की साइट्स पे जाएंगे, तो हर किसी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, लोगो होता है। द डैश टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, उसके लिए हमारे पास ब्रेक नाम का कोई टैग नहीं है, हमारे पास BR टैग है जिससे हम सिंगल लाइन ब्रेक डाल सकते हैं। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द लिंक टू टेक्स्ट, उसके लिए लिंक होता है। तीन तरह के लिंक होते हैं, वी लिंक, लिंक एंड ए लिंक, एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक एंड लिंक। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन बी। आई होप सो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। This contains 20 questions, answer any 16 questions. यहाँ भी आपको 16 questions के answer करने हैं। Manish has copied the informations from the resources available on the internet for his article without acknowledging the original source or taking the permission from the original creator. This unethical act is termed as, इसे plagiarism के नाम से भी हम जानते हैं। Question number 21 का जो सही जवाब है वो जवाब है B, option B, plagiarism कहते हैं उसे। किसी का अगर आप सामान यूज करते हो तो एटलीस्ट क्रेडिट दो,
आपको क्रेडिट देना चाहिए। अगर मैं किसी पब्लिशर के सैंपल पेपर को यूज करूंगा तो मैं उसे थैंक्स कहूंगा, मैं उसके नाम को मेंशन करूंगा कि ये उसका सैंपल पेपर है, मैंने नहीं बनाया है। राजेश, एन आई टी क्लब वॉलंटियर ऑफ द स्कूल नीड्स टू ऐड अ पिक्चर ऑफ द ग्रीन अर्थ इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज डिजाइन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन सेविंग द एनवायरमेंट, हेल्प हिम टू चूज द करेक्ट एचटीएमएल कमांड फॉर द सेम। उसके लिए IMG कमांड होता है एचटीएमएल के अंदर में, जिसकी मदद से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निक्स यूज फॉर। अब ये इंक्रिप्शन कहता है कि ऐसा क्या है, ये कौन सा टेक्निक किस लिए हम यूज करते हैं। फास्ट डेटा ट्रांसमिशन से इंक्रिप्शन का कोई लेना देना नहीं है, फार अवे डाटा ट्रांसमिशन से इंक्रिप्शन का नहीं लेना है, फ्री डाटा ट्रांसमिशन से भी इंक्रिप्शन का कोई मतलब। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप उसे क्या करते हो, कोडिंग कर देते हो कि वो प्रॉपरली किसी को आसानी से कोई उसे रीड नहीं कर सके। तो इसका जो पर्पस है वो है सिक्योरिटी, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए हमें इंक्रिप्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मिस संध्या, वोकेशनल सब्जेक्ट टीचर इन पब्लिक स्कूल, हैज शोन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फ्यू ऑफ द स्किल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द CBSE टू द स्टूडेंट्स, टेक देयर कोर्सेज, स्किल कोर्सेज रिटेल, IT, सिक्योरिटी, ऑटो। अबव शोन लिस्ट इज एग्जांपल ऑफ डैश लिस्ट। ये कैसा लिस्ट है, ऑर्डर्ड है, अगर ऑर्डर्ड होता तो 1, 2, 3 होता, ये बुलेट लिस्ट है, और बुलेट लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। दिस लिस्ट इज नोन एज द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो 24th का ऑप्शन क्या मिलेगा, 24th का ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 25th को देखते हैं। इन रेफरेंस टू कमेंट्स इन HTML डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो HTML में कमेंट्स लिखते हैं उसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। कमेंट लाइन इज इग्नोर्ड बाय द वेब ब्राउजर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट्स इनटू योर HTML कोड, ये भी अच्छी बात है। इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कोड एंड इंक्रीज कोडेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ZIMP, मोजिला फायरफॉक्स, GNU Linux, पाइथन एक्सेट्रा कम्स, ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये फ्रीवेयर होंगे, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे, या शेयरवेयर होंगे, प्रोप्राइटरी होंगे। अब देखो प्रोप्राइटरी तो ये है नहीं, क्योंकि आप पाइथन फ्री में डाउनलोड करते हो, GNU Linux भी आप फ्री में यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स भी फ्री में डाउनलोड करते हो, और ZIMP भी आप फ्री में डाउनलोड करते हो, तो प्रॉपर्टी तो रहा नहीं। बचा क्या, शेयरवेयर भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन का भी नहीं आता है, और फ्रीवेयर और फॉस ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट में आते हैं, क्योंकि इनके सोर्स कोड भी हमें अवेलेबल करा दिए जाते हैं और वो भी हमारे पास होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। स्नेहा वॉन्ट्स बी एज अ फर्स्ट नंबरिंग इन हर HTML लिस्ट इंस्टीड ऑफ ए, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल एट्रीब्यूट। उसके लिए स्टार्ट की वैल्यू को आपको सेट करना होता है, और स्टार्ट की वैल्यू हमें पता है नंबर्स के फॉर्म में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लें। सजल हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग वेब पेज डिजाइनिंग थ्रू HTML, हेल्प हिम आइडेंटिफाइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेड टैग। इट इज़ यूज टू डिफाइन द हेड पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन इन्फॉर्मेशन, नो अदर टैग कैन बी यूज इनसाइड द हेड ब्लॉक, टाइटल टैग इज यूज इनसाइड द हेड ब्लॉक, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे स्टेटमेंट बी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम और भी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, टैग्स को यूज करते हैं अपने हेड टैग के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट इनटू एन अल्टरनेटिव फॉर्म साइफर टेक्स्ट इज नोन एज। प्लेन टेक्स्ट से उसे प्रोसेस कन्वर्टिंग ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव इंफॉर्मेशन से उसे अल्टरनेटिव फॉर्म में, यानी कि साइफर टेक्स्ट, मतलब आपने क्या किया, नॉर्मल टेक्स्ट को डिकोड कर दिया, मतलब कोडिंग करके उसको इनक्रिप्ट कर दिया, तो ऐसे प्रोसेस को हम हमेशा इनक्रिप्शन ही कहते हैं। द क्वेश्चन 29 एंड देयर आंसर इज द आंसर ए। तो ये क्या है हमारा, इनक्रिप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, संभव इज डिजाइनिंग HTML फॉर्म टू कलेक्ट यूजर रिस्पॉन्सेज, ठीक है, सजेस्ट अ सुटेबल फॉर्म एलिमेंट टू टेक द एंट्री ऑफ यूजर प्लेस ऑफ बर्थ। इसके लिए प्लेस ऑफ बर्थ के लिए यूजर क्या कर सकता है, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स। देखिए चेक बॉक्स तो कोई मतलब नहीं बनता है, रेडियो बटन भी हमारा कोई ऑप्शन, क्योंकि आप कितने प्लेस बताओगे उसे, कितने डिस्ट्रिक्ट का चेकबॉक्स और रेडियो बटन दोगे, पासवर्ड फील्ड भी आपका इलीगल हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन डी। मैंने कहा ना, क्वेश्चन काफ़ी ही सिंपल पूछे गए हैं और ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको इजिली गेस किया जा सकता है। आई एम अ डैश स्क्वायर बॉक्स टिक डू इन सेलेक्टेड वन ऑफ द मोर ऑप्शन इज सेलेक्टेड चेकबॉक्स, ऐसा चेकबॉक्स के साथ ही होता है। ये कौन सा बॉक्स है, ये चेकबॉक्स है। वेरी गुड क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। रजिया इज अ क्लास 10th स्टूडेंट, इज अ बिगनर इन द फील्ड ऑफ द वेब डिजाइनिंग, हेल्प हिम आइडेंटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द बॉडी टैग। मतलब
वेब डिजाइनिंग है तो बॉडी टेक्स्ट, ये कौन सा एट्रीब्यूट्स बैकग्राउंड बॉडी टेक्स्ट में होता है, टेक्स्ट होता है, बिजी कलर होता है, SRC IMG के अंदर देखा जाता है, इसलिए ये यहाँ पे गलत जवाब। जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है SRC एट्रीब्यूट नाम का कुछ बॉडी टेक्स्ट के अंदर नहीं होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को और देखते हैं 33 में क्या है। स्टेटमेंट 1 कहता है FOSS इज द मोर यूजर फ्रेंडली एज कंपेयर टू द प्रोप्राइटरी। स्टेटमेंट 2, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अलाउज डेवलपर्स अक्रॉस द ग्लोब टू द पार्टिसिपेट्स इन द ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द करेक्टनेस ऑफ द बोथ द स्टेटमेंट। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या आपको लगता है, मतलब एक बार फिर से देख लो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अलाउज डेवलपर्स अक्रॉस द ग्लोब टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये व्यवस्था कब से देने लगी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आपको ऑनलाइन कंट्रीब्यूशंस और ये सारी बातें आएंगी? नहीं, यहाँ पे क्या है, मुझे तो स्टेटमेंट 2 गलत लग रहा है। अब आते हैं मोर यूजर फ्रेंडली कंपेयर टू प्रोप्राइटरी, ये भी कोई कहना मतलब कि भाई FOSS वाला ज़्यादा फ्रेंडली होगा, ज़्यादा ईजी हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहे हैं। स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट थ्रेट्स टू ई कॉमर्स? पासवर्ड, फिशिंग, आइडेंटिटी, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही जवाब है इस बच्चे का, इस क्वेश्चन बच्चे का या बच्चे का जो भी हो, इस क्वेश्चंस का सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बाय मिस्टेक राज हैज जंबल्ड अप अ फ्यू टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, हेल्प हिम टू बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस फॉर द टैग्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट के साथ फेस आएगा, कौन सा टैग आएगा? फेस एट्रीब्यूट्स आएगा। IMG के साथ SRC आएगा और बॉडी के साथ टेक्स्ट आएगा। हो गया, तो मतलब फर्स्ट का क्या मिला? फर्स्ट का सेकंड मिला, और सेकंड का क्या मिला? सेकंड का थर्ड मिला, और थर्ड का क्या मिला? सेकंड का थर्ड हो गया, और थर्ड का क्या मिला? फर्स्ट मिला। तो पहला ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द डैश टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML एलिमेंट, तो उसको HTML टैग बोलते हैं। जो सबसे पहला टैग होता है जिसके थ्रू HTML डॉक्यूमेंट्स हमारा स्टार्ट होता है, जो ये बताता है ब्राउज़र्स को कि दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। आर इन IPR, इसको राइट्स कहेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो R स्टैंड्स फॉर राइट्स हियर। रोमल अ केमिकल एनालिस्ट डिजाइनिंग अ वेब पेज ऑफ द कंपनी विच मेंटेन द केमिकल फार्मूला H2O। बिल्कुल सही एकदम, यहाँ पे क्या यूज होगा? विच टैग शुड बी यूज टू डिस्प्ले द टू लिटिल बिट्स बिलो द नॉर्मल लाइन। तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट तो ऊपर के लिए होता है और बॉटम के लिए सब होता है, सब स्क्रिप्ट नहीं होता, सब का फुल फॉर्म सब स्क्रिप्ट कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 38 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अ वेब पेज कैन बी एसेस्ड बाय, वेब पेज को एसेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 40। द डैश टैग इज एन एम्प्टी टैग एंड इट डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग। तो इसमें टेबल का तो क्लोजिंग चाहिए, फॉर्म का क्लोजिंग चाहिए, फॉन्ट का क्लोजिंग चाहिए, तो ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आप सेक्शन सी पे पहुंचते हैं और ये हमारा केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है, जहां पे कह रहा है कि सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस, एनी 8 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, आप उसमें से कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। केस स्टडी 1 है। नाउ डेज वी स्पेंड मोर टाइम इन साइबर वर्ल्ड, एनीवन हु यूजेस द डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द इंटरनेट, डिजिटल सिटीजन और नेटिजन का बीइंग अ गुड सेफ इथिकल एंड लीगल यूज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट अवॉइड बाय द नेट एटिक्वेट्स, कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स एंड सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। वी फॉलो सर्टन एटिक्वेट्स ड्यूरिंग अवर सोशल इंटरेक्शन, सिमिलरली वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिक्वेट्स वाइल बींग ऑनलाइन, वन शुड बी इथिकल रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सिबल वाइल सर्फिंग द इंटरनेट, वी शुड नॉट यूज कॉपी राइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर ऑनर इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम, वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज एक्सपीरियंस कल्चर एंड अदर रिस्पेक्ट। बेस्ड ऑन द दिस टॉपिक नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 to 45। आइडेंटिफाई द नेट एटिक्वेट्स विच एवरी नेटिजन शुड फॉलो, वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल एथिकल रिस्पेक्टफुल ऑल ऑफ द अबव। दिस क्वेश्चन सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। बींग एथिकल इन अ साइबर वर्ल्ड मीन्स क्या मतलब होता है? एथिकल, वी शुड शेयर इन्फॉर्मेशन साइबर वर्ल्ड, वी शुड नॉट यूज कॉपी मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ऑनर, वी शुड रदर फॉरवर्ड विद इन्फॉर्मेशन विदाउट द चेकिंग इट्स एथिकल। नो, सही जवाब है ऑप्शन बी। एथिकल का मतलब होता है आपको हमेशा एथिकल और लीगल काम करने चाहिए। Being respectful in cyber world means क्या होता है? We should respect different opinions of others, we should use respectful language, we should respect other privacy। ये सारे जवाब यहाँ पे सही हैं, तो all of the above आएंगे।
A netizen will be considered very responsible in nature of he or she, feed the troll, avoid cyberbullying, check the details before by putting it, all of the above. तो यहाँ पे क्या है कि कोई ट्रॉलिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं उस चीज़ में और आप भी ट्रॉलिंग में हेल्प करते हैं तो वो गलत हो जाएगा. तो सही जवाब है 44 का ए. Person who spends more time in cyber world may be termed as, उसे हम netizen कहते हैं. Citizen और decitizen करके कुछ नहीं होता है, that is called netizen. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Case studies 2. Carefully observe the following screenshot. Coding club है, यहाँ पे नाम दे रखा है, text box है, फिर text box है और फिर password है और एक button है. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. An HTML dash is used to collect the user input. HTML form, हम क्या बनाते हैं, HTML में फॉर्म बनाते हैं डेटा को इनपुट कराने के लिए. HTML एलिमेंट टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स नेम, उसके लिए हमें इनपुट बॉक्स की आवश्यकता होती है तो हम इनपुट को यूज करते हैं. करेक्ट एट्रीब्यूट्स वैल्यू पेयर, करेक्ट एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू पेयर टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स नेम, उसके लिए हमें टाइप टेक्स्ट को यूज करना होता है. मतलब इनपुट के साथ टाइप टेक्स्ट लगाते हैं, इनपुट के साथ हम टाइप पासवर्ड लगाते हैं पासवर्ड के लिए, रेडियो बटन और रेडियो बटन के लिए, चेकबॉक्स चेकबॉक्स के लिए, ठीक है. चूज द करेक्ट HTML कंट्रोल टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स हैविंग लेवल एज प्रेफर्ड यूज आईडी, तो वो हमें क्या मिलेगा, उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं, वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर टूडे. HTML एलिमेंट्स टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द सीक्रेट पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड के लिए हमें कौन सा HTML एलिमेंट यूज करेंगे, तो हमें यहाँ भी इनपुट को ही यूज करना होगा. सिर्फ पासवर्ड के लिए टाइप की प्रॉपर्टीज वैल्यू चेंज हो जाती है और वो पासवर्ड हो जाती है. तो उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर की आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही जवाब दिया है. मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी और सिंपल है. उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से पेपर किया होगा और अपने फुल मार्क्स को स्कोर करने की व्यवस्था की होगी. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.